चलिए अब अपन 13वें काव्य पर चलते हैं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनी चरिते सत्य पित्तय नीचा। हाँ, सत्य पी नहीं, सत्य पित्तय नीचा। देखो संस्कृत का नियम है कि सुराघात किया जाता है। आप लोग यदि यहाँ पर पी बोलोगे तो पी जो है उच्चारण में बड़ी हो जाएगी, और यदि आप पित बोलोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गलत उच्चारण करा सके। लेकिन यदि आप संस्कृत का नियम पालन नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुमसे सही उच्चारण करा। संस्कृत का नियम का पालन करने से शुद्ध उच्चारण होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो स्वस्ति क्रियासु, स्वस्ति नहीं पढ़ना उसमें, स्वस्तिक क्रियासु। आपने स्वस्तिक बोला तो ती अपने आप छोटी निकलेगी, और यदि आपने स्वस्ति क्रियासु किया तो फिर वो ती जो है बड़ी हो जाएगी। इसलिए संस्कृत के नियम का पालन करने से शुद्ध उच्चारण होता है, उसको समझ करके। शुद्धे जाने शुचिनी चरिते सत्य पित्तय नीचा। अभी पहले अपन गद्य के रूप में पढ़ रहे थे, फिर भी हाँ। भक्तिर नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। भक्तिर नो चेतनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटम भवति हि कथम मुक्तिकामस्य पुंसो। शक्योद्घाटम भवति हि कथम मुक्तिकामस्य पुंसो। द्वारम, हाँ फिर मुक्ति द्वारम नहीं, सुना करो, एक ध्यान दिया करो कि महाराज कैसे बोल रहे हैं, हमारी सुनते ही नहीं हो, अपने तरह से मुक्ति द्वारम बोले जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं मुक्ति द्वारम। हाँ, यहाँ पे भी जो है स्वराघात हो रहा है, ध्यान दे के पढ़ो, नहीं तो ऐसे तो जो है परसों हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन वैसे ही पढ़े जा रहे हैं। पर सीखो उसमें, एक एक अक्षर पर ध्यान दो कि कैसे उच्चारण कर रहे हैं। अंतर यदि समझ में आए तो सीखना होगा, नहीं तो अंतर समझ में नहीं आया मतलब अपन तो बस पढ़ रहे हैं बैठे हैं लेकिन सीख कुछ नहीं है। सीखने के लिए बैठो। मुक्ति द्वारम परिदृण महा मोह मुद्रा कवाटम। मुक्ति द्वारम परिदृण महा मोह मुद्रा कवाटम। अब तीन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि है क्या ये मुक्ति द्वार और मुक्ति द्वार में अंतर क्या है। अब उनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कितनी बार बताओ वो तो मुक्ति द्वार नहीं पढ़े। लेकिन मुक्ति में ती छोटी है और आगे द्वा शब्द जो आ रहा है वो संयुक्त अक्षर है, इसलिए मुक्ति के ती में अपन ता को जोड़ दो तो मुक्ति मुक्ति और फिर द्वारम, ऐसे करके जहाँ भी होता है। ये संस्कृत में गद्य में भले ही नहीं करो लेकिन पद्य में तो नियम है, मस्ट, यदि उसको करोगे तो ही संस्कृत का सही उच्चारण हो सकता है। मुक्ति द्वारम परिदृण महा मोह मुद्रा कवाटम। शुद्धि ज्ञाने शुचिनी चरिते सत्य पित्तय नीचा। शुद्धि ज्ञाने शुचिनी चरिते सत्य पित्तय नीचा। भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। भक्तिर्नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटम भवति हि कथम मुक्तिकामस्य पुंसो।
द्वारं परिदृण महामोह मुद्रा कवाटम। हाँ, इस काव्य में आचार्यवादिराज महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञानी बहुत शुद्ध ज्ञान है, सुचनी चरित्र बहुत अच्छा आचरण है, सती अपने होने पर भी तो ये अनीच भक्तिर लो, यानी आपके विषय में अनीचा, नीचा शब्द जो है निम्न के लिए, अनीचा यानी उत्कृष्ट, उसका उल्टा है। तो यदि आपके विषय में उत्कृष्ट भक्ति यदि नहीं है तो वो कैसी है? अनवधि सुखा वंचिका कुंचिका यम, जो कि अमर यादित यानी अनंत सुख को देने वाली, असीम सुख को प्राप्त कराने वाली कुंचिका यानी कुंजी है, कुंची है यानी चाबी है। और जो इस सुख को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि असीमित सुख अनंत सुख तो मुक्ति में प्राप्त होता है, तो शक्योद्घाटम भवति ही कथम मुक्ति कामस्य पुंसो, जो कि खोलना चाहता है द्वार को, वो कैसे खोलेगा? जो मुक्ति की कामना करने वाला पुरुष है, क्योंकि मुक्ति के द्वार पर, मुक्ति द्वारा, मुक्ति के द्वार पर परिदृण यानी अत्यंत मजबूत महामोह मुद्रा कवाटम, वहां पर जो है मोहर बंद ताला से युक्त ऐसे किवाड़ लगे हुए हैं, तो जिस पर ताला लगा हुआ है मोह रूपी मुद्रा का, तो उसको खोलने में भक्ति रूपी कुंजी ही, भक्ति रूपी चाबी ही समर्थ होती है। लेकिन यदि वो नहीं है तो फिर उस द्वार को वो खोल करके उस अनंत सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है? अर्थात वो प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी आपके विषय में उत्कृष्ट भक्ति नहीं है। जहाँ तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें तीन घटक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जब तीनों रहते हैं तब जो है मोक्ष का मार्ग बनता है। कोई सोचे कि एक घटक से, क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं जो केवल सोचते हैं कि आस्था के द्वारा ही सब काम हो जाता है, कुछ लोग समझते हैं मात्र ज्ञान से काम हो जाता है, कुछ लोग समझते हैं केवल क्रिया से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जिनागम में लिखा है कि तीनों की आवश्यकता है, जब तक तीनों नहीं होंगे तो यहाँ पर शुद्ध ज्ञान भी है और बहुत अच्छा चरित्र भी है, लेकिन पहला घटक नहीं है तो वो जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं कराता, बल्कि पहले घटक के माध्यम से ही ज्ञान में और चरित्र में समीचीनता आती है। जैसे घड़े जब रखे जाते हैं, यदि पहला घड़ा उल्टा रखा है तो उसके ऊपर आप सीधा घड़ा नहीं रख सकते, उसके ऊपर अगले दो घड़े भी जो हैं उल्टे ही रखे जाएंगे। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, शर्ट पहनते हुए, कोट पहनते हुए, कपड़े पहनते हुए यदि एक बटन गलत लग जाए फिर बाकी सारे बटन गलत ही लगेंगे, वो जो है सीधे नहीं लग सकते। तो इसलिए यहाँ पर पहला घटक जो है उसके द्वारा ही सारा कार्य होता है, तो उसी के लिए, क्योंकि भगवान की उत्कृष्ट भक्ति ही, क्योंकि आचार्य पंत कुंज महाराज ने लिखा है कि भक्ति को ही सम्यक तो कहा जाता है। तो यदि भक्ति नहीं है तो वो जो है जैसे कोई चेक आपके लिए मिले जिसमें बहुत सारे शून्य लिखे हों, लेकिन आगे यदि अंक नहीं हो तो उसकी क्या कीमत, वो शून्य है। तो इसी प्रकार से बिना भक्ति के दर्शन, बिना भक्ति के जो है दर्शन नहीं होता, तो उसके माध्यम से ज्ञान और चारित्र भी जो है शून्य की संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अब इसमें तीनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तीनों के द्वारा ही कार्य होते हैं। जैसे कि कोई अपने शरीर में हुए रोग का इलाज करना चाहता है तो उसको जो है डॉक्टर
किया तो मुझे है। फिर वो कहता है कि भैया दवाई को मुंह में रख लिया था, लेकिन नहीं, डॉक्टर साहब कंपाउंडर ने बोला था कि इसको जो है फ्रिज में रखना, वो फ्रिज में ही रखी, अब कैसे ठीक होंगे। तो ये तीनों घटक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ जिस बात को कहा है कि भगवान यदि आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो शुद्ध ज्ञान भी हो, शुद्ध आचरण भी हो, वो जो है कार्यकारी नहीं होता। आजकल ऐसी जो है कुछ व्याख्याएं होने लगी हैं जो भगवान के प्रति आस्था को खंडित करने वाली हैं, उनकी आस्था नहीं है, वो ऐसी बातें भी रखने लगे हैं। आजकल कई लोग कहने लगे हैं कि भगवान की आराधना हे दृष्टि से करना चाहिए। हे दृष्टि से आराधना आदि करने के लिए साधुओं के लिए कहा है कि भैया कब तक इनमें लगे रहोगे, भगवान की आराधना में, अपनी आत्मा की आराधना में लगो, उनके लिए कहा गया था, क्योंकि उनके पास में शुद्धोपयोग का एक स्थान है, उसको प्राप्त करने के लिए सुरोपयोग को हे दृष्टि से देखने के लिए कहा था। लेकिन श्रावक के पास में तो शुद्धोपयोग का अवकाश ही नहीं है। अब यदि कोई जो शुभोपयोग को यदि हे दृष्टि से करने लगे तो बेचारे के पास बचेगा क्या, केवल अशुभोपयोग। तो इसलिए जो है, जबकि लिखा हुआ है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि देवादि देव चरणम परिचरणम सर्व दुख निहरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचुनिया दादर तो नित्य, आदर के साथ में नित्य भगवान की आराधना करना चाहिए। हे दृष्टि से जो यदि अपन करेंगे तो उसमें करने के भाव ही नहीं होंगे, जाने के भाव ही नहीं होंगे। तो आराधना के लिए यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ज्ञान और चारित्र भी कोई कार्यकारी नहीं होता। कई जगह ऐसी व्याख्या होने लगी है कि भगवान का अभिषेक करना है ना, भगवान के ऊपर उपसर्ग करना, जो सतत चली आ रही परंपरा है उसके ऊपर ही जो है कुठारा खा। देखोगे आप कुछ लोगों की भगवान की आराधना में, भगवान के अभिषेक में कोई रुचि नहीं होती, वो केवल जो है स्वाध्याय स्वाध्याय को ही मुख्य मानते हैं। लेकिन अपने यहाँ सबको करने के लिए कहा है, केवल एक पक्ष को पकड़ लिया वो एकांत तो हो जाए। आचार्य श्री से भी प्रश्न किया किसी ने कि आचार्य श्री पूजा करने में कितने कर्म का बंध होता है पूजा करने में, तो आचार्य श्री समझ गए कि इनका जो प्रश्न है कि ये जो है सहोपयोग कर्म का बंध कराता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि पूजा में जितना बंध होता है उससे तिगुना बंध जो है स्वाध्याय में होता है। स्वाध्याय में भी बंध होता है, वो समझ रहे हैं स्वाध्याय तो निर्जरा का साधन है, अरे स्वाध्याय भी क्रिया है, सुभोपयोग से बंध होता है मानते हो तो स्वाध्याय में भी बंध होता है, और स्वाध्याय आप तीन बार करते हो तो तिगुना बंध होगा उससे पूजा से। लेकिन बात यहाँ पर बंद की अपेक्षा दृष्टि से नहीं, यहाँ पर उस क्रिया को जो है आप हे मानते हो इसलिए उसमें भी बंद की दृष्टि देख रहे हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, भगवान की आराधना भगवान की भक्ति किए बिना जो सच्चा भक्त होगा वो कभी भी रह नहीं सकता। तो लेकिन ये मान करके कि अपन केवल भक्ति कर लो स्वाध्याय नहीं करो, वो भी अपनी भी कमी है, अपने लिए भी स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। जब ज़्यादा जो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं तो वो कई कई बार जो है आचार्य श्री के लिए भी, एक बार जो है एक विद्वान ने कहा, चर्चा चल रही थी और चर्चा के बाद में जब उठने लगे आचार्य श्री सामयिक में आवर्त करने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये भाव सामयिक छोड़ करके द्रव्य सामयिक में जा रहे हैं, ये अपन जो चर्चा कर रहे थे भाव सामयिक थी और अब जो है महाराज जी जो सामयिक करने जा रहे हैं वो द्रव्य सामयिक, ऐसा उन्होंने कमेंट्स किया। फिर बाद में आचार्य जी ने उस समय तो कुछ बोला नहीं, बोलते भी नहीं है, बाद में फिर प्रवचन में समझाया कि जीवन भर यदि स्वाध्याय करते रहो, साधु भी यदि जीवन भर स्वाध्याय करता रहे तो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्ति जब भी प्राप्त होगी सामयिक के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस चीज के लिए जो कि मुख्य है उसके ऊपर भी, यानी जो सही चीज है उसके लिए भी यदि कहीं अपने ज्ञान का दुष्प्रयोग करने लगते हैं तो समझ लेना कि वो नियम
जगह आहार के लिए जाते थे। और चातुर्मास के बीच में जब वो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में अपने आहार की गवेषणा के लिए वो नगर में भ्रमण कर रहे थे। तो उस समय में एक जिनदत्त सेठ ने देखने अरहत दत्त सेठ नाम था, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि अपने मंदिर में मुनि सूरनाथ चैत्यालय में भी एक संघ रुका हुआ है चातुर्मास करने को, लेकिन ये महाराज तो उनमें से कोई नहीं दिख रहे, लगता है ये बीच में कहीं से बाहर से आ गए और चतुर्मास के बीच में आ गए। इसका मतलब है इनको जो है सही मालूम ज्ञान नहीं है और ये सच्चे साधु नहीं है। ऐसा करके वो अपने स्थान पर बैठा रहा, खड़े होने की भी उसने वहाँ पर जरूरत नहीं। और महाराज तो गवेषणा के लिए निकले थे, उसकी पत्नी ने पड़गहन करके और उनके लिए अच्छे से नवदा भक्ति पूर्वक आहार दे करके, और जब वो आहार संपन्न करके गए तो उन्होंने मुनि सूरनाथ भगवान के चैत्यालय की वंदना करने के लिए गए। वहाँ पर एक द्विति नाम के आचार्य का चतुर्मास हो रहा था और जैसे ही उन्होंने देखा कि महाराज आए हैं तो वो आचार्य महाराज उनकी वंदना करने के लिए आगे आए, उनको नमोस्तु किया, उनसे वार्ता की। उनके ही कुछ शिष्य थे, वो सोच रहे थे कि हमारे गुरु तो जो है भोले बाबा हैं, चाहे किसी के लिए नमस्कार करने लगते हैं, चतुर्मास के बीच में आए हैं, क्या भरोसा है इनका। और जब उन्होंने वंदना की और वंदना करने के बाद में मंदिर के द्वार से जब बाहर निकले तो नीचे ना उतर करके वो जो है आकाश में जब उड़ने लगे, तब देख करके उन जो शिष्यों ने वहाँ पर पहले उनको नमोस्तु करने की भी बात दूर अपने गुरु के ऊपर भी संदेह कर रहे थे, वो वहाँ पर पश्चाताप करते हैं, अपने गुरु से प्रायश्चित मांगते हैं। और वो अरहत दत्त सेठ जब जिनालय में आता है तो उस समय में आज जो है द्विति नाम के जो आचार्य हैं बड़े प्रसन्न हैं, तो उनसे पूछता है कि आज तो आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, क्या बात है। तो कहते हैं आज प्रसन्नता की बात ही, आज तो मैंने चार नदीधारी मुनिराजों की वंदना की, उनसे चर्चा की। तो वो जो है उस समय में कि अरे जब मैं दुकान पर बैठा था और वो निकले थे, वो चार नदीधारी मुनिराज थे और मैंने जो है उनके लिए समझा कि ये सच्चे साधु ही नहीं है, मैंने अपने स्थान को छोड़ा भी नहीं, उनकी अभिनय की। उनकी अभिनय क्या की, मैंने अपने ही धर्म की अभिनय कर दी, ना धर्मो धार्मिकेर बिना। तो ऐसा सोच करके बड़ा पश्चाताप करता है कि कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, उनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर सकते थे लेकिन वो अपने हाथ से हमने ठुकरा दिया। और उसके बाद में कि जब तक उनके पुनः दर्शन नहीं होंगे तब तक जो है मेरा प्रायश्चित नहीं होगा। और पता पड़ा कि मथुरा में है, यहाँ पर पूर्णिमा तक तो यहाँ पर रहना है, संकल्प लिया था महाराज जी से कि पूर्णिमा तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा और उसके बाद में फिर मथुरा जा कर के, और फिर जब उनकी वंदना की, उनको आहार दान दिया, तब उसके लिए संतुष्टि। तो ऐसी जो है घटनाएँ प्रेरणा देती हैं अपने लिए कि यदि बहुत अच्छा ज्ञान भी है, बहुत अच्छा आचरण भी है, लेकिन भगवान के प्रति यदि उत्कृष्ट भक्ति नहीं है तो वो जो है उस मोक्ष रूपी द्वार पर जहाँ पर अत्यंत दृढ़ दरवाजा लगा हुआ है और जिस पर महामोह रूपी मोहरबंद ताला से जो युक्त है उसको खोलने में समर्थ वही चाबी है जिसको कि भगवान के प्रति भक्ति कहा जाता है, और वही अमर्यादित सुख अनंत सुख को देने के लिए समर्थ है, वही उस ताले को मोह रूपी ताले को खोलने में समर्थ है। तो जिसके पास में वो भक्ति नहीं है वो उस ताले को कैसे खोल सकता है, अर्थात वो उस सुख को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता जिसके पास में भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति नहीं। आस्था का जो द्वार होता है उस द्वार के लिए यहाँ कहा गया है कि भगवान के प्रति देवशास्त्रों के प्रति अपनी ऐसी समीचीन आस्था हो कि जो कभी भी चलायमान ना हो। एक जगह गांव में जहाँ बरसात नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, और उस समय सब लोगों ने सोचा कि पर्वत के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर आराधना करने चलें, और सब लोग जो है तैयार होकर के चलने के लिए तैयार हुए। एक छोटा सा बच्चा, उसको आवाज़ लगाई तो उसने कहा
कि वो रेन शूज पहने हुए है, रेन कोट पहने हुए और छतरी लगा करके आया हुआ है। तो वो सब लोग कहने लगे, क्यों तुम तो ऐसे पहनी जैसे बरसात होने ही वाली है। अरे कहले, आप ही तो बोल रहे थे कि भगवान की आराधना करने जा रहे हैं, बरसात होगी। तो उस समय में उनको समझ में आया कि इस बच्चे की आस्था है कि वहां पर जाएंगे तो बरसात होगी। हम लोग सोच तो रहे कि वहां पर जाएंगे तो बरसात होगी, लेकिन हमें अभी विश्वास नहीं। तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चों से भी प्रेरणा मिल जाती है। तो इस काव्य में इस को अपन फिर से देखें कि बहुत शुद्ध ज्ञान भी हो, बहुत शुद्ध आचरण भी हो, होने पर भी त्वयि अनीचा, यदि आपके प्रति उत्कृष्ट भक्ति नोचे, यदि भक्ति नहीं है वो कैसी है। अनवधि सुखा पंचिका कुंचिका, जो कि अमर्यादित सुख को देने वाली चाबी के समान है। और सख्योद्घाटन भवती कथम मुक्ति कामस्य पुंसो, उस द्वार को खोलने में वो कैसे समर्थ हो सकता है जो मुक्ति की कामना करने वाला पुरुष है। क्योंकि मुक्ति के द्वार पर अत्यंत दृढ़ महामोह रूपी मुद्रा से युक्त जो है दरवाजे कपाट लगे हुए हैं, उसको खोलने में वो कैसे समर्थ हो सकता है। शुद्धि ज्ञाने सुचिनि चरिते सत्य पित्वय नीचा, सत्य पी नहीं सत्य पित्वय नीचा, भक्तिर नोचे धनवधि सुखा वंचिका कुंचिकेयम्। शक्योद्घाटम भवति हि कथम मुक्ति कामस्य पुंसो, मुक्ति द्वारं परिद्रण महामोह मुद्रा कवाटम। Stop।